दोस्तों आईपीएल 2021 की डेट टाइम वेन्यू सारा सब कुछ फिक्स किया जा चुका था कि 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे से ऑक्शन होने जा रहा है चेन्नई में, लेकिन अभी अभी बीसीसीआई की ओर से एक बेहद बड़ी अपडेट आई है जहां पर टाइम में काफी बड़ा चेंज हो चुका है और ऑक्शन 2021 में भी काफी सारे बड़े चेंजेस हुए हैं। तो पूरी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं पूरी डिटेल्स के साथ। तो आईपीएल फैंस, क्रिकेट फैंस, फटाफट अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। और आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर इस ऑक्शन में सबसे महंगा बिकने वाला है, कमेंट बॉक्स में अभी बता दें। गाइस सबसे पहले तो हम बात करें ऑक्शन की, तो ऑक्शन में जो पहले प्लेयर्स आए थे टोटल 1114 प्लेयर्स ने अपना नाम रजिस्टर कराया हुआ था कि ऑक्शन में ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद जब सभी फ्रेंचाइज ने अपने अपने प्लेयर्स को सॉर्ट आउट किया तो मात्र 292 प्लेयर्स ही अब हिस्सा लेने जा रहे हैं ऑक्शन में, और ये सारे प्लेयर्स बिकेंगे। और जिनमें अगर आप देखते हैं तो टोटल 8 टीम में मात्र 56 से 57 स्पॉट ही बचे हुए हैं अगर सभी टीम्स अपने 24 प्लेयर्स को फिल करती हैं तो। तो 292 प्लेयर्स में से मात्र 56 प्लेयर्स ही बिकने वाले हैं। अब बात करें हम डेट टाइम की, तो 18 फरवरी को ऑक्शन होने जा रहा है जहां पर पहले टाइम दिया गया था कि 3 बजे से ऑक्शन होने वाला है, लेकिन अब बीसीसीआई ने अपडेट किया है कि दोपहर 2:30 बजे से प्री प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा और जिसके बाद 3:30 बजे से पहले प्लेयर की बिडिंग की जाएगी जहां पर मार्की प्लेयर्स पहले बिकेंगे। और इन मार्की प्लेयर्स की लिस्ट में एरन फिंच सबसे ऊपर रहने वाले हैं, तो एरन फिंच इस ऑक्शन में सबसे पहले बिकने वाले हैं। बात की जाए अगर लाइव टेलीकास्टिंग की तो स्टार नेटवर्क्स के पास इनके राइट्स हैं, तो टेलीविजन पर तो स्टार नेटवर्क्स के चैनल पर आप इसको लाइव देख सकते हैं ऑक्शन को। लेकिन अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं किसी कारणवश तो हम तो आपको सारी डिटेल्स लाइव देने ही वाले हैं। तो गाइस लाइव ऑक्शन के दौरान सभी लाइव अपडेट्स, कौन सा प्लेयर कितना महंगा बिका है, कौन से प्लेयर्स किस टीम का हिस्सा हुए हैं, सारी अपडेट लगातार पाते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लें। और आपको क्या लगता है सबसे महंगा प्लेयर इस ऑक्शन में कौन सा बिकने वाला है, कमेंट बॉक्स में अभी बता दें। धन्यवाद।